दोस्तों, थायराइड की समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आदमी हो या औरत, ये बीमारी हर किसी को हो रही है। वैसे तो थायराइड कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो ये आपकी जान भी ले सकती है। और तो और, थायराइड हमारे शरीर को एकदम बेकार और बीमारियों का घर बना देता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको थायराइड के बारे में ही बताऊंगा कि थायराइड क्या होता है, कैसे होता है और इसका लक्षण और इलाज क्या है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि आप सब इस बीमारी से बचे रहें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफस्टाइल इन्फोट्यूब में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये बीमारी बाहर से नहीं आती बल्कि शरीर के अंदर ही पैदा होती है। अनियमित खान पान और जीवन शैली की वजह से ही ये बीमारी होती है। इसलिए आजकल इस बीमारी की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये बीमारी औरतों को ज्यादा होती है। और आजकल तो ये बीमारी छोटे बच्चों में भी पाया जाने लगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थायराइड आखिर है क्या। थायराइड कोई रोग नहीं है बल्कि एक ग्रंथि का नाम है जिसकी वजह से ये रोग होता है। गर्दन में श्वास नली के ऊपर और वोकल कॉर्ड के दोनों ओर दो भागों में बने ग्रंथि को थायराइड कहा जाता है। ये तितली के आकार का होता है। इससे होने वाली बीमारी को भी थायराइड कहा जाता है। थायराइड एक ऐसा रोग है जो लगभग पूरी तरह से हार्मोन्स पर निर्भर करता है। हमारा थायराइड ग्रंथि शरीर से आयोडीन लेकर इसे बनाता है और थायराइड ग्रंथि से खास तरह के हार्मोन्स T3, T4 और TSH निकलता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने और शरीर की सभी कोशिकाएं सही ढंग से काम कर सके इसके लिए जरूरी होता है। जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर पाता और शरीर में आवश्यकता अनुसार T3, T4 और TSH हार्मोन्स नहीं पहुंच पाता है तब थायराइड की बीमारी पैदा होती है। और इन T3, T4 और TSH हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से ही शरीर में ये बीमारी पैदा होती है। थायराइड दो प्रकार का होता है, पहला हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करने लगता है और आवश्यक हार्मोन्स T3, T4 का निर्माण नहीं कर पाता, लेकिन इसमें TSH हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड बहुत तेजी से काम करने लगता है, इससे T3 और T4 हार्मोन्स अधिक मात्रा में निकलता है और TSH का स्तर कम हो जाता है। अधिकतर लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है, पर इन दोनों ही स्थिति में सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अब मैं आपको थायराइड के लक्षण के बारे में बताता हूँ। वैसे तो इस बीमारी के लक्षण तुरंत नहीं दिखते, तकलीफ शुरू होने के बाद ही इसके लक्षण दिखते हैं, पर इन तकलीफों को लोग कोई आम समस्या समझ के नजरअंदाज कर जाते हैं जिससे ये बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। वैसे तो इस बीमारी का कोई खास लक्षण नहीं है। तो सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण के बारे में बताता हूँ। अचानक वजन कम होना, सुस्ती महसूस होना, जल्दी थक जाना, काम में मन न लगना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, पैरों में सूजन व ऐंठन आना, चलने में दिक्कत होना, बहुत ठंड लगना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, कब्ज होना, चेहरा या आंखों का सूज जाना, मासिक चक्र अनियमित होना, स्किन ड्राई हो जाना या बाल झड़ने लगना, हमेशा डिप्रेशन में रहना, ज्यादा तनाव होना, बात बात में भावुक हो जाना और आवाज रूखी व भारी हो जाना, ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में वजन अचानक से कम हो जाना, भूख बढ़ जाना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में कमजोर हो जाना, हाथ पैर कांपना, तनाव और धड़कन बढ़ जाना, नींद नहीं आना और बाकी के लक्षण एक जैसे ही हैं। तो ये थे थायराइड के लक्षण और थायराइड में होने वाली समस्याएं। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखे तो समझ जाइए कि आप थायराइड के शिकार हो चुके हैं। तो अब थायराइड होने के कुछ कारण के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो भोजन में आयोडीन की मात्रा कम या ज्यादा होने के कारण, ज्यादा टेंशन लेने के कारण, दवाई के साइड इफेक्ट से, प्रेगनेंसी के समय शरीर में हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण, सोया के प्रोडक्ट्स के अधिक सेवन और अधिक प्रदूषण के कारण भी थायराइड की बीमारी होती है। तो अब इसके कुछ इलाज के बारे में बताता हूँ। वैसे तो ये एक आम बीमारी है जो अनियमित खान पान और जीवन शैली की वजह से होती है। अगर आप समय समय पर खाना पीना, काम और बराबर व्यायाम करेंगे तो ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर भी थायराइड को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ उपाय बताता हूँ। नंबर 1, लाल प्याज। ये सबसे असरदार उपाय है। इसके लिए रोज रात को सोने से पहले एक लाल प्याज को आधा काट के अपने थायराइड ग्रंथि के आसपास मसाज करें।
फिर गर्दन को बिना धोए ही सो जाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर टू, पौष्टिक आहार। घरेलू और पौष्टिक आहार लें, बाहर का हैवी और अनहाइजेनिक फूड ना खाएं, और खाने में हल्दी वाला दूध, हरा धनिया, प्याज, टमाटर, लहसुन, काली मिर्च, अश्वगंधा, हरी सब्जी, गाजर और अखरोट आदि जैसे पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें। रोज 2 ग्लास लौकी का जूस या फलों के जूस का सेवन करें और नारियल पानी भी पिएं, इससे थायराइड जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर 3, पानी। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, इससे विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 4, व्यायाम। रोज सुबह हल्की धूप में नियमित रूप से व्यायाम करें और पसीना निकालें, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम भी करें, इससे थायराइड कंट्रोल में रहता है। तो ये थे थायराइड के कुछ घरेलू इलाज। वैसे अगर थायराइड शुरुआती दौर में है तो आप इन उपायों से थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं, पर अगर थायराइड बढ़ गया है और बहुत तकलीफ दे रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और सही इलाज करवाएं, और दवाइयों के साथ आप ये सारे घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, इससे थायराइड जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और याद रखें, थायराइड में चाय, कॉफी, सी फूड, आयोडीन वाला नमक, अल्कोहल, वनस्पति घी, रेड मीट और ज्यादा आयोडीन वाला खाना, इन सब पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, इससे थायराइड और बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी थायराइड के बारे में सारी जानकारी। तो अब सीधे सीधे कहूँ तो अगर आप रोज नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, पसीना निकालेंगे, घरेलू और पौष्टिक आहार का सेवन करेंगे, पूरी नींद लेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और थायराइड तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आप अपने दिनचर्या को सुधार लें, फिर थायराइड एकदम खत्म हो जाएगा। और हाँ, याद रखें, थायराइड को कोई छोटी मोटी समस्या समझ के नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले और सभी इस बीमारी से दूर रहें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।